animals and their friends. Now, it is mean that human beings is a social animal because they live together. Same animals also, some animals that they live together. Like, have you ever seen a buffalo sitting in a field and a crow picking as its ear? कभी आपने देखा है कोई buffalo field पर बैठे और उसके सिर पर उसके head पर crow बैठी रहती है? क्यों? Because the crow keeps on eating at the tiny insect hiding around its ear. Crow जो buffalo की ear के बीच में जो insects होते हैं वो crow उसको खाती रहती है. तो इससे दोनों एक दूसरे की help करते हैं. First तो जो बफेलो के ऊपर जो इंसेक्ट्स थे वो क्रो उनको खा लेते तो जो बफेलो उसकी हेल्प हो जाती है, सारे इंसेक्ट हट जाते हैं. दूसरा, क्रो का भी जो मील है उसको प्रॉपरली मिल जाता है. तो दे आर फ्रेंड्स बिकॉज दे लिव टुगेदर. नाउ देयर आर सम पॉइंट्स. पैक्स, व्हाट डू यू मीन बाय पैक्स? वुल्व्स, फॉक्स एंड जैकल्स. When they live together, जब वो एक ग्रुप में बना के रहते हैं, that is known as packs. Second one is pride. Group of lion. Lion का जो ग्रुप होता है जहां बहुत सारे लायन इकट्ठे होते हैं, that is known as pride. Then the herd. Herd means group of elephant. Elephant का ग्रुप herd कहलाता है. Troop. Troop means group of monkey. जहां बहुत सारे monkey का होते हैं, that is known as troop. Now there are some shy animals. Some animals are friendly while some are shy. Shy means sharmile, जो shy दूसरे animals से या human beings से शर्माते हैं, that are known as shy animals. But there are some friendly animals also. A friendly animals is one which lets you come near it and accept a part of food from you. फ्रेंडली एनिमल्स वो होते हैं जो आपको उनको आपके पास आने देते हैं और आपसे जो भी उनको फूड है वो ले लेते हैं. कुछ एनिमल्स आपने देखे होंगे कि आप जब उनके पास जाते हो तो वो या तो आपको डराते हैं या फिर वो वहां से भाग जाते हैं. देयर आर सम वाइल्ड एनिमल्स आल्सो, दे आर विच आर शाई इन नेचर, जो नेचर में शाई होते हैं. दीज आर शाई एंड फ्रेंडली एनिमल्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बिग ईयर्स, स्मॉल ईयर्स. देयर आर सम एनिमल्स विच हैव बिग ईयर्स. आपने एलिफेंट को देखा होगा, उनके ईयर्स कैसे होते हैं? बिग होते हैं. कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके स्मॉल ईयर्स होते हैं. बट सम एनिमल्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर. कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं. दैट कैन नॉट बी, दैट कैन बी सीन, जिनको दिखाई जो हमें दिखाई नहीं देते हैं. द बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर. बर्ड्स की एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं. But they have two holes. पर उनके दो holes होते हैं in their head. Head के अंदर two holes होते हैं जिसके through वो सुन पाती है, listen कर पाती है. A polar bear also does not have external ear. Polar bear की भी external ears नहीं होते हैं, but has small nerves. उनके जो ears के face में क्या होता है, nerves करके एक holes होते हैं polar bear. Now body coats of animals. Body coats of animals means उनकी जो कवरिंग होती है, उनकी बॉडी की जो कवरिंग होती है वो ऐसी होती है कि उनको वार्म रख पाए, ठंड से बचा पाए और बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट कर पाए. दैट इज बॉडी कोट्स ऑफ एनिमल्स. आपने बर्ड्स की फैदर्स देखी होंगी, उनको फैदर्स उनको ठंड से बचाती हैं, बारिश से बचाती हैं. दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनदर क्लाइमेट्स. नाउ फ्लावर विजिटर. व्हाट इज फ्लावर विजिटर? हैव यू सीन एवर हनी बी? हनी बी सिट्स ऑन स्वीट स्मेलिंग फ्लावर which produce a sweet liquid called nectar. Honey bee, आपने देखा होगा सुंदर सुंदर फूलों पे बैठती है. क्यों बैठती है? Because which produce a sweet liquid, जो एक sweet liquid produce करता है, that is called nectar. They suck nectar, जो honey bee होती है वो flower से nectar को suck करती है and gather it on their thin legs. और thin legs में gather करके इकट्ठा करके carry the nectar to their home. और अपने घर तक ले जाती है. उनके घर को क्या कहा जाता है? बी हाइव. आपने देखा होगा बी हाइव छत्ता, वहां